इंडिया, मैं हूं आकाश सोनी। शाबाश इंडिया में हमारी कोशिश है आपको ऐसे चेहरे से रूबरू कराने की जो अक्सर भीड़ में नजरअंदाज हो जाता है। हमारी कोशिश है आपको ऐसे लोगों से मिलाने की जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ, हमारी कोशिश है आपको देश के अगले एपीजे अब्दुल कलाम से मिलवाने की और समय रहते उसको तलाशने की ताकि उसके प्रतिभा का पूरा पूरा इस्तेमाल देश और मानवता के लिए किया जा सके। देखिए अहमदाबाद के एक होनहार ने कैसे बनाया 3D स्पीड ब्रेकर जो जनता की जान तो बचाएगा ही साथ ही सरकार के पैसे भी बचाएगा। या युवा कोई काम करने पर उतर आए तो मानिए कि उस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ मेरे पीछे जो सड़क आपको दिखाई दे रही है इस पर ट्रैफिक दोनों साइड पर चलता था और तब ये जो आपको दिख रहा है ये बैरियर ये नहीं होता था। बच्चों ने ये किया कि यहाँ आकर खड़े हो जाते थे और कहते थे अंकल आंटी यहाँ से राइट टर्न मत लीजिए, यहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिए। बच्चों को देख के फिर कौन मना करता। तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर सारा ट्रैफिक एक ही तरफ जाने लगा और एक्सीडेंट होने बंद हो गए। अहमदाबाद की होनार ने इसी सोच को आगे बढ़ाया है। इसने ये सोचा कि सरकार के पैसे भी बचे और अपना काम भी हो, ये कैसे हो, तो उसने बनाया वर्चुअल स्पीड ब्रेकर। सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो है। क्या ही आविष्कार, आइए देखते हैं। अफसोस है कि सड़क हादसों हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अव्वल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में हिंदुस्तान की सड़कों पर 146,000 हादसे हुए, यानी रोजाना 400 के आसपास। जिसकी सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों की रफ्तार और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की कमी। देश की हर सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन गुजरात के एक होनहार सौम्या ठक्कर के पास इन हादसों को रोकने का एक सस्ता और आसान उपाय है। ये स्पीड ब्रेकर्स दूसरों से कुछ अलग है, जानते हैं क्यों? क्योंकि सही मायनों में ये स्पीड ब्रेकर्स है ही नहीं, बल्कि ये है एक 3D पेंटिंग और देखने में स्पीड ब्रेकर जैसी ही लगती है। यानी दूर से तेज रफ्तार में आती गाड़ियों को भी यही भ्रम होगा कि आगे कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है, जिससे गाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाएगी और सड़क हादसे भी। ड्राइवर्स को ये समझना ड्राइवर्स की अटेंशन ग्रैब होती है, क्योंकि कुछ भी डिजाइनर या आर्टिस्टिक अगर होता है इंडिया में तो एक तो रोड की ब्यूटी बढ़ती है, ऊपर से ड्राइवर्स का ध्यान उस तरफ रहता है उस टाइम पे। इसलिए स्पेशली जो एक्सीडेंट प्रोन जोन है, जहाँ पे पास में नजदीक में स्कूल है जहाँ बच्चे क्रॉस करने वाले हैं, स्पेशली हाईवेज के आसपास, तो वहाँ पे ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। कुछ वक्त पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस तकनीक को शाबाशी दी और ऐलान किया कि देश की सड़कों पर इन्हें आजमाया भी जाएगा। सौम्या की माने तो 3D स्पीड ब्रेकर की यह तकनीक बेहद सस्ती है। अहमदाबाद की सड़क पर की गई पेंटिंग में सौम्या को सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा। करीब 40 फीट लंबी इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग में सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल हुआ है। सड़क पर की गई ये पेंटिंग सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही सूख जाती है और एक वर्चुअल ज़ेब्रा क्रॉसिंग तैयार हो जाती है। यानी अब स्पीड ब्रेकर या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के सड़कों को खोलने और ट्रैफिक रूट बदलने की कोई टेंशन नहीं। इतना ज्यादा महंगा नहीं है ये पेंटिंग, जैसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं उसमें कलर फिल करते हैं। एक बार एप्लीकेशन, हाँ वो इम्पोर्टेंट है कि एक बार परफेक्टली एप्लीकेशन हो, फिर इसका रीफिल बहुत ही सस्ता है, इतना महंगा नहीं। वैसे ये तकनीक दुनिया के कई देशों में अपनाई जा चुकी है और बेहद कारगर भी है।
सौम्या को उम्मीद है कि अब उनकी बनाई पेंटिंग भी देश की सड़कों पर दिखेंगी और उनका ये करिश्मा हर रोज हजारों जान बचाएगा। शाबाश इंडिया में अभी वक्त है एक ब्रेक का।